अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। और जनाब, आज का मैच हो गया एक और वन साइडेड मैच। लेकिन जनाब, जब आपकी टीम जीत रही होती है, चौके छक्के ग्राउंड में लग रहे होते हैं, तब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैच वन साइडेड है, नेल बाइटिंग है, हम सिर्फ इन्जॉय कर रहे होते हैं। और आज तो इंडियन फैंस को डबल मज़े आ गए कि एक तो मैच इतने अच्छे रन रेट से जीत लिया और उसके साथ साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली की इतनी अच्छी इनिंग्स भी देख ली। सोचिए, विराट कोहली की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन रोहित शर्मा की अगर आज बात नहीं की जाएगी तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। रोहित शर्मा की बात जनाब हर जगह हो रही है, बल्कि मैं देख रही थी जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हैं वो रोहित शर्मा को हिट शर्मा कह के मुखातिब कर रहे हैं। सो जी, रोहित शर्मा जो कि पहले से ही काफ़ी हिट हैं, उन्होंने आज मज़ीद माइल स्टोन्स जनाब अचीव कर लिए। सबसे कामयाब बैटर बन गए हैं वो, वर्ल्ड कप के 1000 रन कम्प्लीट कर लिए हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं वो वर्ल्ड कप में। तो जी, बड़ी अच्छी बात है, इंडियन फैंस को बड़ा मुबारक हो कि जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और इतने अच्छे फ्लो में जा रही होती है तो बड़ा मज़ा आता है देखने का। सो जी, आज के मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ने टॉस जीती और टॉस जीतकर फैसला किया पहले बैटिंग करने का। अच्छा, अब इस पर भी बाज़ लोगों का कहना है कि भाई अफगानिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। बट मेरा ये मानना है जनाब, चाहे अफगानिस्तान बैटिंग करता चाहे बॉलिंग करता, रिजल्ट ये ही आना था जो कि आया है। क्योंकि इंडिया के मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम, मैं किसी से कुछ नथिंग टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, लेकिन अगर जब हम लॉन्ग फॉर्मेट की बात करते हैं टेस्ट की या ओडीआई की, तो उसके अंदर अफगानिस्तान की टीम इंडिया के सामने उस तरह से स्टैंड नहीं कर सकती है। नो डाउट दे आर वेरी गुड इन T20, लेकिन फिर भी जब ODI की बात होती है, सो आज जो अपनी एक एक्सेलेंस है वो इंडिया ने अगेन शो की हमें। और मैं जो, अच्छा, जब ये स्कोर बन गया तो आई वॉज थिंकिंग कि इंडिया ये जो टारगेट मिला है इसको 37 या 40 ओवर्स में अचीव कर लेगा लाइक ईजीली। लेकिन भाई, जो बैटर्स थे, कोहली हो गए या शर्मा जी हो गए, उन्होंने कहा आप क्यों इतना लंबा टाइम सोच रही हैं, हम जनाब जल्दी इस खेल को ख़त्म करेंगे, जाके रिलैक्स करेंगे, इन्जॉय करेंगे। सो जी, 35 ओवर में गेम को फिनिश किया उन्होंने और बड़ा अच्छा लगा देखकर। अच्छा, इसके अंदर अफगानिस्तान की तारीफ यहाँ पे ये बनती है कि अफगानिस्तान का जो लास्ट मैच था बांग्लादेश से, उसमें उनका स्टार्ट तो अच्छा था। वही बात है कि आप लॉन्ग फॉर्मेट ज़्यादा नहीं खेलते हो तो आप उस तरह से जल नहीं हो पाते हो लंबे फॉर्मेट में। सो जी, स्टार्ट तो उनका अच्छा था, लेकिन वही कि उस स्टार्ट के बाद जो बांग्लादेश है उसने बड़ी आसानी से 156 पर गालबन आउट कर दिया था अफगानिस्तान को। और लेकिन आज अफगानिस्तान ने अच्छे, रिलेटिवली बेहतर मैं ये कहूँगी, बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। इसके अंदर पिच का भी किरदार है ऑफकोर्स, कि पिच भी आसान थी, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने भी अच्छा खेला, जिन्होंने अच्छा खेला, जैसे कि हम यहाँ पर जब हम देखते हैं। सो जी, जो उनके कैप्टन हैं हशमतुल्ला शाहिदी, उन्होंने 80 रन बनाए, अजमतुल्ला उमरजई ने 62 रन बनाए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग वेरी गुड इनिंग फ्रॉम मोहम्मद नबी, लेकिन वो 19 रन बनाकर आउट हो गए। और जब हशमतुल्ला शाहिदी आउट हुए हैं और हार्दिक पांड्या ने उन्हें आउट किया है, जो सेलिब्रेशन उन्होंने की है, मुझे ऐसे फील हुआ, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया है या वार्नर की बड़ी क्रूशल विकेट हासिल कर ली है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेट किया कि जैसे हसन अली सेलिब्रेट करते हैं, तो पता नहीं क्या चल रहा था पीछे जो इतना सेलिब्रेट किया उन्होंने इस विकेट को। सोचिए, उसके अलावा हम देखें तो जी, उसके अलावा क्या देखें, उसके अलावा बस यही देखें, आपको 272 का टारगेट मिला। अफगानिस्तान की कोशिश तो थी कि 300 क्रॉस कर लें, लेकिन इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। आई वॉज थिंकिंग कि जब एशिया कप शुरू हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान की बॉलिंग की एक धाक थी, खासतौर पे पेस अटैक की, शाहीन, रऊफ, नसीम शाह, लेकिन एशिया कप में आई डोंट नो, हमारी गलत प्लानिंग हो गई या मिस हैंडलिंग हो गई बॉलर्स को लेके, वो हशर हुआ कि वो नसीम शाह तो अनफिट हो गए और जो बाकी हमारे पेसर्स हैं वो उस रिदम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि इंडिया एशिया कप से जनाब जब निकला है तो एक नई आर्मी बन के निकला है बॉलर्स की। कुलदीप हो गए, शामी हो गए, सिराज हो गए, सब ने फाइफर हासिल किया। और बुमराह जब आए हैं तो मैं जैसे कहती हूँ वो कोई एक्स फैक्टर लगा के आए हैं जी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज बड़ी ज़बरदस्त इस पिच पर भी, जो कि बिल्कुल सीधी विकेट थी, बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, 4 विकेट्स हासिल की यहाँ पे।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो बुमराह और शाहिन शाफरीदी दोनों पेसर्स हैं, दोनों अपने अपनी टीम्स के लिए अपने अपने मुल्कों के लिए बहुत बड़ा एसेट, दोनों इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन दोनों की इंजरी को कितने डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। पाकिस्तान में शाहिन शाह अभी फुली रिकवर ही नहीं होते हैं कि आप उन्हें वापस ले आते हैं और T20 वर्ल्ड कप में अगेन वन फिट हो जाते हैं, और अब जब से वो वापस आए हैं वो उस रिदम में वापस नहीं आए हैं, जबकि बुमराह को मुकम्मल रिहैबिलिटेशन दी गई, टाइम दिया गया, एक बड़े मुकाबले में उन्हें वापस लेके आए, और जब वापस आए हैं तो क्या खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं। जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए हिज बॉलिंग इज रियल ट्रीट। सो जी आई विश के हम लोग भी जो अपने मफादात हैं उन्हें पीछे करके ना मुल्क के लिए सोचें, लेकिन हमने तो तमाम लीग्स भी खेलनी हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो नसीम शाह हैं वो बेड पर सर्जरी करवा रहे थे, लेकिन जो उनके एजेंट हैं उन्होंने उनके लिए BPL का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अभी हम देखें अगर शाहिन शाफरीदी वो मुकम्मल फिट नहीं लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंटरनेशनल लीग खेलने के लिए UAE में जाना है। जब आपकी अप्रोचेज ऐसी होती हैं तो फिर ऐसा ही होता है आपके साथ कि जिस तरह से हम सफ़र कर रहे हैं। जी बहरहाल वापस आते हैं बैक टू द मैच। एक तो हमारे जो दुखड़े हैं ना वो हर जगह निकल के आ जाते हैं, क्या करें। जी मैच की दोबारा से हम बात कर लेते हैं, और जब हम यहाँ पे बात करते हैं बैटिंग की बात करते हैं जी। बैटिंग में मैं बस इतना कहूँगी, वो आप लोगों ने फ्रेज सुनी है, वो आया उसने देखा और वो छा गया। तो जी इंडिया के बल्लेबाज भी आए, उन्होंने अपने बैट इधर उधर हिलाए और उन्होंने मैच जीत लिया। 35 ओवर में बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी अच्छी इनिंग के साथ, बड़ी अच्छी रनिंग के साथ, बड़ी अच्छे शॉट्स के साथ ये टारगेट अचीव हो गया। रोहित शर्मा ने 131 बनाए, यहाँ पे ईशान किशन थोड़े से ज़रा रस्टी दिखाई दिए, 47 बनाए। विराट कोहली ने 55 बनाए, श्रेयस अय्यर ने 25 बनाए। अच्छा विराट कोहली की मैं यहाँ पे बात करती हूँ। विराट कोहली जब 49 पर थे, अपने जो उनका इंडिविजुअल स्कोर था वो 49 था, और जो टीम का टारगेट था वो मेरे ख्याल से 3 या 4 रन रह गए थे टारगेट अचीव होने में। जो स्ट्राइकिंग एंड था उसके ऊपर श्रेयस अय्यर थे, तो विराट कोहली ने इशारा किया एक का कि भाई मेरा एक रन रह गया, एक रन का सवाल है, चौका छक्का ना लगा देना, खुद ही ना कहीं मैच कंप्लीट कर देना। जी श्रेयस अय्यर ने मुस्कुरा कर एक रन लिया और फिर विराट कोहली ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। अच्छा अब इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि विराट कोहली को बड़ा एक सेल्फिश अप्रोच थी उनकी। विराट कोहली की को अगर हम देखें ये जो दिल्ली का ग्राउंड है ये एक लिहाज से उनका होम ग्राउंड है, यहाँ से उन्होंने अपनी करियर का आगाज़ किया, और अब वर्ल्ड कप के अंदर जब वो मैच खेलने के लिए आ रहे हैं तो उनके नाम का पवेलियन वहाँ पे मौजूद है, विराट कोहली पवेलियन, कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ पे मैच था और वो यहाँ पे हाफ सेंचुरी बनाना चाह रहे थे इस ग्राउंड में, क्योंकि आगे तो वर्ल्ड कप का कोई मैच है नहीं यहाँ पे, और जो उससे अगला वर्ल्ड कप है जो कि होपफुली विराट कोहली खेलें वो इंडिया में नहीं है। विराट कोहली के लिए अगर हम इस हाफ सेंचुरी को देखें तो उसकी अपनी अहमियत है, और उनके फैंस के लिए भी बड़ी अहमियत है जनाब, क्योंकि कोहली जब भी परफॉर्म करते हैं जो उनके फैंस हैं वो खुश हो जाते हैं, हर जगह कोहली कोहली हो रहा होता है। जो पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें तो पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड पहले नंबर पर मौजूद है, इंडिया है जी तीसरे नंबर पर, नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर मौजूद है इंडिया। आज का मैच जीतने के बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मौजूद है, और चौथे नंबर पर मज़े की बात है साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो एक मैच खेला है और उसको इतने ज़बरदस्त तरीके से जीता है कि इतना भारी उनका रन रेट हो गया है कि वो चौथे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि इंग्लैंड ने खुदा का शुक्र अदा किया होगा कल मैच जीत के वो फाइनली वो जो एक उनका रन रेट का इशू आ रहा था उससे वो निकले हैं। क्योंकि इंग्लैंड आप देखिए, इंग्लैंड ने एक मैच हारा था लेकिन उनका रन रेट इतना नीचे चला गया था कि नेदरलैंड 2 मैच हारने के बावजूद उनसे ऊपर था। जी इंग्लैंड जो है वो आ गया है अब 5वें नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया आप देखते हैं कल के मैच की बात करें तो कल साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त 7वें नंबर पर मौजूद है, बांग्लादेश से भी नीचे है, क्योंकि बांग्लादेश ने 2 मैच खेले हैं, एक जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच खेला है, 1 हारा है। जी ऑस्ट्रेलिया कमबैक करने की कोशिश करेगा। आप देखना ये है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से पहले सीरीज खेल कर आए हैं ODI, और बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए हैं,
सो जी देखना ये है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने अपनी वही वाली अप्रोच जो कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अडॉप्ट की थी उसको कंटिन्यू किया है, ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर पाता है या नहीं कमबैक कर पाता है। मेरी जानिब से जनाब बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोथ टीम्स, और अब आपसे इजाज़त लेंगे, जल्दी से एक प्यारी सी अच्छी सी स्माइल मुझे दीजिए, बिल्कुल जी यही वाली है माशाल्लाह स्माइल। सो जी इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल होगी आपसे फिर से मुलाकात, टिल देन अल्लाह निगहबान।